उधर सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य हनान मोला ने ममता सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई को गलत ठहराया है। जो चुनाव का प्रचार है उसको 20 घंटे पहले ही रोक दिया है और आज 10 बजे वो प्रचार खत्म हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं हनन मुल्ला जी। हनन जी, जो प्रचार का फैसला, रोकने का फैसला लिया, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? यू नो, हम लोग इसको देखते हैं, चुनाव कमीशन शुरू से बीजेपी को और उसका झुकाव है। हम हजारों कंप्लेन किया है, मोस्ट जो सारे कंप्लेन जो बीजेपी का मॉडल कोड वायोलेशन है, गलत तरीके से काम करना है, मगर जो एक्शन नहीं लिया गया। और नाउ दे वो जो बंद कर दिया चुनाव प्रचार बंद किया, आज क्यों रात 10 बजे तक क्यों? क्योंकि मोदी का दो रैली है, मोदी का रैली कंप्लीट होने के बाद ही वो लागू होगा। तो मोदी को जो ऐसा 7 दफ़ा चुनाव, इसका भी ज़रूरत नहीं था, सिर्फ मोदी को सब क्षेत्रों में पहुँचाना था, सब मैक्सिमम। इस बार वो डर था सब जगह पहुंचना चाहिए, सब जगह भेजने के लिए उसको लंबा टाइम खींचा कि हर जगह वो पहुंच पाए। वो तो मर जा कर रहा है मोदी को सुविधा। दादा, बंगाल में तो हिंसा हो ही रही है ना? हिंसा हो रहा है तो आज सुबह से बंद कर दो, कल रात से बंद कर दो, आज रात 10 बजे तक क्यों? ये साफ दिखाई देता है कि मोदी को सुविधा कर देना ये चुनाव कमीशन का एक प्रोसेस है और करते जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।